मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को एक घंटे की समीक्षा बैठक की। इसमें जिलों से आई क्राइसिस मैनेजमेंट रिपोर्ट पर मंथन हुआ। यह सामने आया कि प्रदेश में 9 जिलों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा, रतलाम, धार, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी जिलों में संक्रमण सबसे ज्यादा है। शिवराज ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि इन जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के फैसलों को लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे बंद के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होती है। लिहाजा जिला प्रशासन सख्ती न बरते बल्कि व्यापारियों से बाजार बंद करने की अपील करें, साथ ही उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए 24 नवंबर को फिर से बैठक बुलाई है। भोपाल से विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट। जिलों में मिली रिपोर्ट के सामने आया कि बुजुर्गों की अपेक्षा युवाओं और महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में संक्रमण का रेट ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 60% युवा संक्रमित है। यह बात भी सामने आई कि युवा ज्यादातर लापरवाह है। ऐसे में समाज सेवी संगठनों के सहयोग से युवाओं के बीच ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बैठक में हुए मंथन में यह भी सामने आया कि गांव की अपेक्षा शहरों में संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल रहा है। भोपाल, इंदौर समेत 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू। प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी देखते हुए सरकार ने 5 जिलों में 21 नवंबर से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू के पहले दिन इन जिलों में सख्ती दिखाई गई। भोपाल में कर्फ्यू तो रात 10 बजे लगाया जाना था, पर कुछ दुकानदारों ने रात 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला लिया है। इंदौर के मशहूर 56 दुकान रात 9 बजे ही बंद हो गई। भोपाल से विक्रम चावड़ा की रिपोर्ट।